जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। महेश कुमार कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश में। कहाँ से? जबलपुर से। जबलपुर से आए हैं जी। क्या हो गया है आपको? दचाई कम दचाई। क्या कम? रात और दिन दोनों में। तो अकेले चल फिर पाते हो कि नहीं? चल फिर पाते हैं। अकेले नहीं चल पाते हो? चल फिर पाते हैं। भीड़ में भी चल लेते हो? भीड़ में दिक्कत होता है। क्या होता है? टकरा जाते हैं। साइड में चलने वालों से टकरा जाते हो जी? वो सामने से? सामने से नहीं टकराते, लेकिन धुंधलापन दिखाई देता है। कब से हो गया ये? ये हो गया 15-20 साल पहले से। तो मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ कहाँ दिखाया आपने? और पटना, बेगूसराय, चेन्नई और मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर तो यूपी में, बिहार में? बिहार में। तो सभी जगह क्या कहा आपसे? इसका इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं हो सकता जी। किसी ने आपको चश्मा भी नहीं दिया डॉक्टर साहब ने? चश्मा दिए थे, बेगूसराय और पटना से चश्मा दिए थे, तो और रोशनी कम गया, चश्मा हटा दिए। तो जहाँ भी चश्मा दिए आपको, उससे रोशनी कम हो जाती थी जी? ठीक। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। इससे भी नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते वो दूर का अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हो। एक आँख बंद करो फिर से। मेरी उंगली बता सकते हो कितनी है? नहीं, उंगली इधर वाला है। अभी भी इतना धुंधलापन दिखाई आ रहा है। दूसरी आंख से देखो। मैं दो है अभी दिख रही है जी। यहाँ नहीं दिखती, यहाँ धुंधलापन दो है। आप? आप तीन है। ये तीन है। पांच है। वहाँ कांच में अक्षर नहीं दिख रहा आपकी। चलो दूसरी आंख से देखो। वहाँ पांच है। पांच है। बदलो आप। अब पक्का जी? लेकिन हाँ, बतला दो। हाँ, जो दिख रहा है आपको धुंधला दिख रहा है। करीब 4 मीटर आपकी रोशनी है, अभी 3 मीटर आप स्पष्ट बता रहे हैं, है ना? तो 3 मीटर आँखों से, दोनों आँखों से आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक। 5 2 9 3 6 7 5 4 ठीक। यहाँ तो चाप हल्का देता है, उसके बाद ये वाला लाइन, तीसरी लाइन आपको धुंधली दिखाई पड़ रही है। ठीक है, लाइन दिक्कत होता है। HOTVHU दूसरी आँख से देखो। HOTVH फिर धुंधला है जी। तो आज आपकी स्थिति ये है कि 3 मीटर से आपको उंगलियां दिखाई पड़ रही हैं, और तीन तीन लाइन ही इंग्लिश और मैथ्स की दिखाई पड़ती है दोनों आंखों से। ठीक है जी। दो लाइन साफ है, तीसरी लाइन धुंधली है जी। तो कहीं भी जाते हो, किसी को साथ लेके जाते हो जी? ठीक है जी।
और रंग भी आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। कौन सा कपड़ा पहनना है, बाजार साग सब्जी क्या रखी है, पहचान जाते हो? साग सब्जी पहचान जाते हैं। अच्छा, खाना रखा हुआ होता है तो आसपास का कोई सामान गिर जाता है कि थाली के पास कुछ सामान रखा है तो? नहीं है। नहीं, थाली में से उठा लेते हो आसपास का लोटा गिलास वगैरह रखा है? उठा लेते हैं, बड़ा सामान जो रहता है वो उठा लेते हैं। सब्जी वगैरह उठा लेते हो? जी। है जी, ठीक, बहुत बढ़िया। खाना खाते समय सामान उठाने धरने में दिक्कत होती है? जी हाँ, सर हिलाना पड़ता है, इधर उधर चलना पड़ता है तब उठाते हैं। सिर हिला के सामान ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है, है ना? कोई चाय देता है तो एकदम से ले लेते हो तुम? जी नहीं सर, नहीं ले पाते। जी नहीं। कोई दोस्त दूर से हाथ हिला या कोई हाथ मिलाता है तुमसे, मिला लेते हो हाथ? जी नहीं सर, नहीं मिलाते हो, देखना पड़ता है जी, है ना? वो घर में चलते समय सामान से टकरा जाते हो, नीचे पड़ा होता है तो? जी सर। है जी, टकरा जाते हो? जी। चलिए, प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारी परेशानी आपको होती है क्योंकि आपका पेरिफेरल विजन खत्म सा हो गया है, मात्र 1 इंच रह गया है, जो आम इंसान का 20 इंच होता है। प्रयास करेंगे कि आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिले। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। और आपको ध्यान है, आप पहले कुछ अक्षर पढ़ पाते थे कि नहीं? नहीं पढ़ पाते थे, है ना? दूर आपको दिखाई नहीं पड़ता था जी, नहीं। मात्र 3 मीटर से आप उंगलियां गिन पाते थे। देखें आज आपको क्या दिख रहा है, एक आंख बंद करो आपकी। क्या है? हेल। एप के पास पता चल रहा है। चलिए, बधाई हो आपको कि आज आपकी नजर करीबन 20 फीट तक पहुंच गई है बिना चश्मे के। दूसरी आंख से देखिए। नहीं पता चल रहा जी, नहीं। हटा दो हाथ। तो आज आपकी नजर 10 फीट की जगह 20 फीट पे पहुंच गई है बिना चश्मे के, ठीक है? पहले आपको किसी डॉक्टर साहब ने चश्मा दिया क्या? चश्मा दिए थे लेकिन रोशनी उस पर और कम होती थी। चश्मा लगाने से रोशनी कम हो जाती थी, तो आपने चश्मा नहीं लगाया फिर? जी नहीं। ठीक, देखें आज आपको चश्मे से क्या फर्क पड़ता है। हाँ पढ़िए। वेरी गुड, टी डी बी यू ई एच पी, शाबाश। उसके नीचे कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपको सीधी आंख से 4 लाइनें आने लगी, और 4 लाइन का मतलब होता है 80 फिट, ठीक? आप देखिए लेफ्ट आंख से देखिए, पढ़िए। यू
शाबाश, नजर नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब करो कोशिश करो, फिर से पढ़ो क्या है। यू ए एच एच पी, शाबाश। उसके नीचे कुछ, उसके नीचे सर नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा नीचे पलन है। तो बहुत सारी बधाइयां मनीष जी, आप 10 फीट से आज आपकी रोशनी 80 फीट पहुंच गई है चश्मे की मदद से। जो चश्मा आपको लगा नहीं करता था, आज चश्मा भी लगना शुरू हो गया है और उससे रोशनी बढ़ गई है। ठीक, तो रोशनी बढ़ने से आपको खुशी हो रही है? हाँ, रोशनी बढ़ने से अच्छा लग रहा है। अब आपको जिंदगी में कॉन्फिडेंस आया कुछ जीने का कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा? देखे पास में क्या दिखा आपको, 6 9 5 2 4 2 2 8 3 5 6 उसके बाद सर पता नहीं चल रहा है, एच ओ टी बी एच यू ए एस एस एम एम टी एम टी डी वाई, उसके बाद सर नहीं बुझा रहा। दूसरी आंख से देखो, ए एच ओ टी बी एच यू ए एच एम टी ओ वाई, उसके बाद सर नहीं बुझा रहा। एट 5 2 9 3 एट 7 5 4 6 3 9 5 2 2 4 2 एट 3 5 6 नीचे नहीं, नीचे नहीं। मनीष जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का और आप देख रहे हो जस्ट 3 गुना हो गया है, ये है ना। शुरुआत में आपको दोनों आंखों से मात्र 1 इंच दिखाई पड़ता था और ये आपका आज 3 इंच के लगभग हो गया है। ठीक, तो 3 गुना रोशनी आपकी आंखों की बड़ी है। अब आपको सड़क पे चलते फिरते में थोड़ा बहुत कुछ आराम महसूस हो रहा है? आराम होता, अभी भी धूप में दिक्कत होता है। धूप में होता है, कमरे में तो चल फिर रहे हो? जी चल फिर रहे हैं। है जी, पहले जो डर लगता था वो कम हो गया जी? हाँ जी, या अस्पताल में घूम रहे हो यहाँ पे तो डर कम हो गया? वे कम है सर, लेकिन अंधेरा में जो जाते हैं तो अभी भी दिक्कत है। मनीष जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का और आप देख रहे हो कि आपका ये करीब करीब 3.25 इंच पहुंच गया है। ठीक जी, शुरुआत में आप आए थे तो आपको मालूम है कितना था? मात्र 1 इंच का पेरिफेरल विजन था जो बढ़ के 3 गुना हो गया है राइट आंख में। देखें लेफ्ट में क्या दिखता है। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।